वल्लाहि बरकातहु। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल फिशिंग हाई। आई एम वाजिद। फिशिंग हाई चैनल पर आप सबका स्वागत है, खुशामदी। माय डियर फ्रेंड, अभी मैं आपको, मेरे पास सामान आया है, अनपैक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि इसमें आपको जो सामान की ज़रूरत है निकल जाए। तो दोस्तों और डियर फ्रेंड, मैं अभी आपको एक एक करके पूरे सामान दिखाऊंगा। डियर फ्रेंड, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रॉड की तरफ। अभी मैं आपको टेरी कंपनी के फ्रॉड दिखाने वाला हूँ। देखिए, यह है, देखिए टेरी कंपनी का डार्ट फ्रॉग। ये 12 ग्राम में मिलेगा आपको, और इसमें जो है टेल भी है और विदाउट टेल का भी है। पीछे स्पून भी लगा हुआ है। जो हजरात स्पून लगा हुआ फ्रॉग पसंद करते हैं उनको भी मिलेगा, और जो हजरात जो है टेल वाला फ्रॉग पसंद करते हैं उनको टेल वाला फ्रॉग मिलेगा। ये 12 ग्राम का फ्रॉग है, टेरी डैप। देखिए, इसमें चार कलर है, चार कलर में मिलेगा। दो ब्लैक कलर में है, ब्लैक पे एक को वाइट लाइन्स है और एक को डॉट्स है, और रेड कलर में है, येलो में है, टेरी डैप। माय डियर फ्रेंड, ये फ्रॉग का जो रबर इस्तेमाल किया है, ये बहुत शानदार रबर है, बहुत सॉफ्ट रबर है, एकदम नरम रबर है, एकदम फर्स्ट क्लास। और इसकी खूबसूरती भी देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो है कुछ फ्रॉग को स्पंज आया है टेल के साथ में। ये देखिए, ये स्पून है टेल के साथ में, और कुछ फ्रॉग को स्पून नहीं आया है। ये देखिए, ये रेड कलर में आपको स्पंज मिलेगा फ्रॉग को लगा हुआ, येल्लो में नहीं है, और ब्लैक में है। देखिए, रेड में ब्लैक में दो फ्रॉग को स्पंज लगा हुआ है, और ये दो फ्रॉग को स्पून लगा हुआ नहीं है। ये देख लीजिए फोटो। दोस्तों, फ्रॉग को आप जो है देखने के बाद में, उसको हाथ में पकड़ने के बाद में, आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फ्रॉग के ऊपर शिकार होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं आपको टेरी गैप कंपनी का फ्रॉग दिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत शानदार फ्रॉग है और 13 ग्राम में है। ये फ्रॉग को आप हाथ में पकड़ने के बाद में आप खुद कायल हो जाएंगे कि वाकई में ये फ्रॉग के ऊपर शिकार हो सकता है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट रबर में है, और इसके अंदर आपको जो है ये 5 कलर में है। देखिए, 5 कलर में मिलेंगे फ्रॉग, टेरी गैप। दोस्तों, यामोशी KS 6000 स्पिनिंग रील, यामोशी KS 6000। ये भी एक ब्रांड है यामोशी, और ये यामोशी ब्रांड जो है
जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दोबारा फिर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको उनको दूसरी कोई रील पसंद नहीं आती। यामोशी ब्रांड जो है बहुत माना हुआ ब्रांड है ये भी, और इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसको हर कोई परचेस कर सकते हैं। ये पावर हैंडल के साथ में है, देखिए यामोशी पावर हैंडल स्पिन रील 6000। दोस्तों अभी आपके सामने है योलो टूर्नामेंट बेट कास्टिंग रील, योलो टूर्नामेंट बेट कास्टिंग रील। योलो जो है पहले योलो में पहले स्पिनिंग रील आते थे, अभी बेट कास्टिंग रील भी आए हैं, और योलो के भी रील बहुत अच्छे होते हैं, बहुत माने हुए रील होते हैं। इस इसमें आपको राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में दोनों मिलेंगे, योलो टूर्नामेंट बेट कास्टिंग रील राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दो मॉडल है देखिए इसमें। दोस्तों देखिए ये भी बेट कास्टिंग रील है लेकिन चाइनीज है, देखिए इसका नाम जो है, इस रील का नाम ये है और इसके डिटेल्स यहां पर बता रहा हूं। तो जो अभी बिगिनर्स है वो लोग बिगिनर्स बेट कास्टिंग रील के ऊपर राड के ऊपर फिशिंग हंटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, कम कीमत में मिल रही है ये, और इसके ऊपर हाथ साफ होने के बाद में आप जो है भारी से भारी रील इस्तेमाल कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए बहुत। दोस्तों ये है देखिए सुगली यांग बैरल रील, ड्रम रील भी बोल सकते हैं इसको, ये समंदर में फिशिंग करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत बड़ी साइज में है, देखिए सुगली यांग ड्रम रील, देखिए इसकी लैंड कैपेसिटी ये रेशियो यहाँ पर दिया है देखिए। देखिए इसको इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं आप कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लैंड आती है, जैसे समंदर में फिशिंग कर रहे हैं आप तो समंदर में जो है बड़े बड़े फिश रहते हैं और एक मरतबे मछली फंसने के बाद में बड़ी फिश फंसने के बाद में बहुत दौड़ती है तो इस रील के ऊपर आप जो है दौड़ा सकते हैं, उसको दौड़ा के उसको कमज़ोर करके निकाल सकते हैं। अगर इससे छोटी रील रहेगी तो होगा ये कि लाइन ख़त्म हो जाएगा आपके पास, ये बड़ी रील होने से आपका लाइन ख़त्म नहीं होगा मछली को डिफरेंट। ये है देखिए रील्स किंग 10,000 सीरीज, ये समंदर में फिशिंग करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसके ऊपर बहुत
फिशिंग लाइन बहुत ज़्यादा आता है और मोटी साइज का भी डला सकते और मछली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा सकते हैं। रील्स किंग 10,000 इसका पूरा पर्टिकुलर्स इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया है। डियर फ्रेंड ये है देखिए रियल किंग्स 8000 सीरीज। आप इससे पहले जो देखे थे वो 10,000 सीरीज में था, ये 8000 में है और इसको पावर हैंडल है। रियल्स किंग 8000 सीरीज पावर हैंडल ये बहुत कम प्राइस में है। अगर आपको रील पसंद आती है तो मैं दोबारा भी मंगा सकता हूँ आपको। और ये चलने वाली रील है देखिए रियल्स किंग 8000 पावर हैंडल देखिए आपके सामने है। देखिए आप जो देख रहे हैं मैं इसी रील की बात कर रहा हूँ। रील्स किंग 8000 पावर हैंडल स्पिनिंग रील्स समंदर में फिशिंग करने वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए समंदर में शिकार फिशिंग करने वालों के लिए कमज़ोर पड़ेगी उस टाइम पे निकाल सकते हैं। देखिए रील्स किंग 8000 स्पिनिंग रील दोस्तों ये है देखिए प्रोप्स कंपनी का स्पिनिंग रील मेटल हैंडल। प्रोप्स कंपनी का स्पिनिंग रील मेटल हैंडल और इसके पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिया है। देखिए इसमें बाल बेरिंग्स गियर रेशियो और लाइन कैपेसिटी वगैरह सब देख सकते हैं आप। प्रोप कंपनी स्पिनिंग रील 5000 मेटल स्पून मेटल हैंडल। दोस्तों ये है देखिए यामोशी 4000 स्पिनिंग रील। ये इससे पहले भी आए थे ख़त्म हो गए फिर दोबारा मंगाए हैं हम इसको। यामोशी 4000 स्पिन रील मेटल स्पोन के साथ में। दोस्तों ये है देखिए
transparent corporal rod, 7 feet and 8 feet transparent में दो साइज में मिलेंगे आपको, 7 feet and 8 feet. ये नट वाला है, देखिए देखिए, ये दोनों को जॉइंट करने के बाद में आप यहाँ पर नट फिटिंग कर दे सकते हैं, ये रॉड नहीं निकलेगा आपके. तो इसमें इसके सेंटर में, रॉड के सेंटर में एक रेड लाइन दिया है. देखिए ये रेड लाइन आने से रॉड की खूबसूरती बढ़ जाती है और मजबूती भी बढ़ जाती है. मजबूती के लिए दिया है, ये टू पीस रॉड है ट्रांसपेरेंट में, कॉर्कोडन स्पिनिंग रॉड, 7 फीट 8 फीट दोनों में मिलेगा आपको. वीथ नट है ये. दोस्तों इसमें आपको जो है नट वाले में 7 फीट और 8 फीट में मिलेंगे, कॉर्कोडन ट्रांसपेरेंट स्पिन रॉड 7 फीट एंड 8 फीट. आज का सामान ये था, मैं अभी आपको दिखाया. उम्मीद करता हूँ इसमें आपके आपको जो चीज़ चाहिए हो सकता है होंगे इसमें, अगर है तो मुझको ऑर्डर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके घर मकान पर भेज दूँगा. और आप भी मेरी दुकान पे आइए, एक मतलब यहाँ पर आकर देख के सामान को पसंद करके भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ. फ्रेंड, मैं आपसे एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि हम लोग पार्सल आपको जब भेजते हैं तो पार्सल जो है आपके हाथ को मिलने के बाद में आप उसको पार्सल को खोलते वक्त में एक वीडियो बना लीजिए. अगर बाई चांस पार्सल में से कोई सामान टूटा फूटा निकलता है तो उसके हम जिम्मेदार हैं, हम आपको उसका रिप्लेसमेंट देंगे. सामान कुछ डैमेज निकलता है तो मैं आपको उसका 100% रिप्लेसमेंट दूंगा. अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो मैं आपको सामान नहीं दे सकता, भाई रिप्लेसमेंट नहीं दे सकता. सामान दे सकता हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं दे सकता हूँ. मिसाल के तौर पर देखिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता पार्सल के अंदर, ये टिप टूट सकते हैं और गाइड वगैरह भी टूट सकते हैं, इसके कुछ भी हो सकता है. अगर आप वीडियो बना लेके वो वीडियो अगर डैमेज आइटम निकलता है तो वो वीडियो मेरे को सेंड कीजिए, मैं आपको जो है उसका रिप्लेसमेंट 100% रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ. अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे सामान को ओपन करते वक्त में तो मैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं दूंगा, उससे आपकी का नुकसान होगा. तो मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप सामान को निकालते वक्त में, खोलते वक्त में, पार्सल खोलते वक्त में आप उसका एक वीडियो बना लो, और कुछ डैमेज निकलता है तो मेरे को तुरंत जो है वो वीडियो शेयर करो, मैं आपको जो है उसका रिप्लेसमेंट दूंगा. तो दोस्तों फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे लाइकर्स, लाइक करने वाले सपोर्टर्स, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हमको दुआओं में याद रखिए. इंशाल्लाह हम भी आपको हर दुआ में याद रखेंगे. खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.